मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एक्शन मोड में दिखाई दिए हैं। भजन लाल शर्मा ने मीडिया से बात की और अपनी सरकार की प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार, इन दो पर नियंत्रण हमारी प्राथमिकता होगी। सीएम ने कहा कि आपराधिक तत्वों पर कठोर एक्शन लिया जाएगा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहने वाली है। भ्रष्टाचार की जवाबदेही भी तय की जाएगी। पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। तो देखिए, भजन लाल शर्मा एक्शन मोड में हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था सही करना और करप्शन मिटाना सरकार की प्राथमिकता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध मिटाने के लिए हम संकल्पित हैं। असामाजिक तत्वों के खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। पिछली सरकार में प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त रही है और अब जनता को इस समस्या से मुक्ति मिलनी चाहिए। सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। सरकारी दफ्तरों में आने वाले लोगों के लंबित प्रकरणों का संवेदनशीलता से निपटारा होगा। आम आदमी का आत्मसम्मान बरकरार रहेगा और इसी भावना से ये सरकार काम करेगी। प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में ईमानदारी से काम होगा। पिछले कुछ सालों में महिला सुरक्षा प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा रहा है। हमारी ये सरकार किसी भी कीमत पर महिला और बाल का अत्याचार सहन नहीं करें। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार हमारी प्रमुख रूप से प्राथमिकता रहेगी। कानून व्यवस्था हमारा प्रमुख विषय रहेगा। पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। हमने आज ही एसआईटी का गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की और आज मैं कहना चाहता हूं कि एसआईटी का गठन होगा। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की भी घोषणा करते हैं। संगठित अपराध उन्मूलन के लिए एडीजीपी अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष कार्यदल एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया।